एनएसयूआई हिमाचल के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कुछ दिन पहले एचपीयू द्वारा बिना किसी परीक्षा के कुछ चुनिंदा छात्रों को पीएचडी में दाखिला दिया गया था, जो कि आम छात्र समुदाय के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि इनमें से एक छात्र वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर कुमार का खुद का बेटा भी है। उन्होंने कहा कि यदि इसी प्रकार तुगलुकी फरमान एचपीयू लेता रहा तो आम वर्ग का छात्र शिक्षा से उसका विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से कॉलेजों में प्रोफेसरों की भारी कमी चल रही है। यदि ऐसे ही बिना एग्जाम के पीएचडी में दाखिला मिलता रहा तो भविष्य लोगों का अंधकारमय होगा। हमीरपुर कॉलेज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में समाजशास्त्र, इतिहास और एजुकेशन विषय के कई अध्यापक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर एक पार्टी विशेष के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार संघ के लोगों को बैकडोर प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वाइस चांसलर इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो एनएसयूआई कड़ा आंदोलन करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान शिवम दिमान, नूनू सिंह, सर्वेश, रजत और आयुष भी मौजूद रहे। देखिए, आज जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य है प्रेस वार्ता यहाँ करने का, जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले जो है वो एचपीयू प्रशासन द्वारा जो एक निर्णय लिया जाता है कि पीएचडी में जो एंट्रांस है उसमें जो है वो बहुत से ऐसे अपात्र लोग, उसमें स्वयं वाइस चांसलर महोदय जी के सुपुत्र भी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो बैकडोर एंट्री पीएचडी में दी गई। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे छात्र जो है वो जेआरएफ एंट्रांस नीट के टेस्ट क्लियर करके जो है क्रैक करने के बाद पीएचडी में प्रवेश लेते हैं और इस तरह का प्रशासन एचपीयू द्वारा जो धांधली की गई है। देखिए, जो गरीब छात्र हैं, जो आम छात्र हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा जो है वो अन्याय है। देखिए, एक तरह से ये शिक्षा को ख़त्म करने का प्रयास है। जब से ऐसे अपात्र लोग जो हमारे वाइस चांसलर महोदय हैं, आप लोगों को पता है वो कि एक संगठन विशेष से जुड़े हुए हैं और जो संघ के इशारे पर सारे कार्य कर रहे हैं, और ऐसे लोग जब उच्च पदों पर पहुंचते हैं तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं। देखिए, एक तरफ जहां हम बात करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजों का उसे जो है वो डेवलप किया जाए, उस ओर ध्यान ना देते हुए मैं आपके सामने हमीरपुर कॉलेज की ही बात करूँ तो हमीरपुर कॉलेज में चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट हो, एजुकेशन जो वोकेशनल सब्जेक्ट हो या हिस्ट्री जो सब्जेक्ट हो, वहाँ पे टीचर्स हैं ही नहीं, बहुत भारी कमी चल रही है। और दूसरी ओर जो पीएचडी के एंट्रांस है उनमें इस तरह से बैकडोर एंट्रीज जो है वो करवाई जा रही हैं, तो ये साफ तौर पर जो है वो छात्र हित के साथ जो है वो छात्रों के साथ अन्याय है। और इस तरह एक प्रकार से जो आम छात्र हैं उनका शिक्षा के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा इस तरह के अगर निर्णय जो है वो लेंगे। देखिए, हमारे आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस ले और जो पात्र स्टूडेंट है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, उनको जो है वो एंट्रांस लेकर उसके बाद उनको पीएचडी में एनरोल किया जाए।